बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स थे कि आप गुर्दे की पथरी के बचाव के बारे में या प्रिवेंशन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाए। तो ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे या ऐसे लोग जिनमें गुर्दे की पथरी होती है। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गुर्दे और मसाने के बीच में जो नलकी होती है जिसको यूरिटर कहा जाता है, उसका जो साइज़ होता है वो 0.6 सेंटीमीटर से 0.8 सेंटीमीटर या 6 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर के दरमियान होता है। अगर आपके गुर्दे में पथरी इससे छोटी है तो वो इससे गुजर जाएगी और आपकी जो पथरी है वो बग़ैर ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि कितने साइज़ की अगर पथरी होगी तो वो हमारे गुर्दे से निकल सकती है। अगर आपके गुर्दे में पथरी 0.5 या 0.6 सेंटीमीटर से कम है तो वो आपके यूरिटर से यानी गुर्दे और मसाने के बीच में जो नाली है उससे पास हो जाएगी और वो दवाइयों से ठीक हो सकती है। और जहाँ पे प्रिवेंशन की बात की जाए तो पहले नंबर पे वही चीज़ है कि आपको पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने 24 घंटे में कम अज़ कम 2.5 से 4 लीटर तक पानी इस्तेमाल करना है। अगर आपके अंदर पथरी मौजूद है तो आप 4 लीटर तक भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें उस पानी के अंदर लेमन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जिसमें मौसमी या ऑरेंज है वो इस्तेमाल करेंगे। वो क्या करेंगे, जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और आपको उस पथरी से बचाएंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर आपको कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन आ जाते हैं और वो कैल्शियम का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कैल्शियम की मिकदार अगर ज़्यादा होगी वो ऑक्सलेट से बाइंड होगी और न्यूट्रलाइज करते हैं वो पेशाब की शक्ल में आपके जिस्म से बाहर निकल जाएगी। अगर कैल्शियम की मिकदार कम होगी और ऑक्सलेट की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो क्रिस्टल बनाएगी और आपकी किडनी के अंदर या आपके जो मसाना है वहाँ पर डिपॉजिट होके आपको स्टोन करवा देगी, जैसा कि दूध और दही का इस्तेमाल है ये आप बढ़ाएंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर है कि साल्ट का इस्तेमाल कम करेंगे। सिर्फ साल्ट नहीं, नमक वाली जो दूसरी चीज़ें हैं जिस तरह के स्लेंटी हो गई, चिप्स हो गई और उसके साथ साथ जो डिफरेंट किस्म के केन प्रोडक्ट्स होते हैं, केन फूड होती हैं और केन की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। उसमें ये होगा कि नमक की मकदार बहुत ज़्यादा है। नमक कम इस्तेमाल करने से आपके दो फायदे होने वाले हैं। एक तो ये है कि ये आपको ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट करेगी, कम करवाएगी आपका। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो बढ़ने नहीं देगी। दूसरा, आपको किडनी स्टोन से भी प्रिवेंट करेगी, बचाएगी। और तीसरे नंबर के ऊपर है कि यूरिक एसिड का इस्तेमाल कम करें। और आपको पता कैसे चलेगा यूरिक एसिड किस में होता है, जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें चिकन है, मटन है, बीफ है, इन चीज़ों के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर होता है और चॉकलेट है और एग है। अगर आप इससे बचेंगे या इनका कम इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो किडनी स्टोन के चांसेज हैं या तो वो ख़त्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। और पांचवें नंबर के ऊपर है कि ऑक्सलेट जो डाइट्स हैं वो आपने कम लेनी है। जो ऑक्सलेट है वो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, जैसा कि पालक है और स्वीट पोटैटोज हैं, टोमेटो सॉस होती हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पाया जाता है। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे तो आप में किडनी स्टोन जो होने के चांसेज हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। छठे नंबर के ऊपर है कि अवॉइड विटामिन सी, विटामिन सी जो सप्लीमेंट है उनसे अवॉइड करें, गैर ज़रूरी आप इस्तेमाल नहीं करें तो ये भी आपके जो गुर्दे में पथरी है उसको प्रिवेंट करेंगी, उससे आपको बचाएंगी। और सातवें नंबर के ऊपर है कि रिकरंट यूटीआई, अगर आपको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होता है, ये ज़्यादातर बच्चों और ख़वातीन के अंदर होता है, तो आप इससे अगर अपने आप को प्रिवेंट करें, बर वक्त आप इसका इलाज करवाएंगे तो आप जो गुर्दे की पथरी है उससे बच सकते हैं। और आठवें नंबर के ऊपर है डू नॉट होल्ड यूरिन, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं और जो ऑफिस में काम करती हैं उनके लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट ना होने की वजह से वो टॉयलेट नहीं जाती हैं और यूरिन होल्ड करती हैं, तो उनके अंदर इन्फेक्शन फैलने का भी चांसेस होता है और साथ में जो किडनी स्टोन है वो भी बन सकते हैं। इसी तरह जो मेल ऑफिस में काम करते हैं या दौरान सफ़र वो अपना यूरिन होल्ड करते हैं, अगर यूरिन होल्ड करेंगे तो वो स्टेसिस करवाएगा, जिसको यूरिनरी स्टेसिस कहते हैं, वो आपके गुर्दे में पानी देर तक जमा रहेगा मसाने या गुर्दे में, वहाँ पे जो क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के वो डिपॉजिट होंगे और ये आपको किडनी स्टोन करवा देंगे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।